नमस्कार, दराज धर्म आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। लखीमपुर की घटना लगातार अब सियासत के केंद्र में बन चुकी है, उस पर लगातार सियासी लोग जो है वो सियासत करने में लगे हुए हैं। तरह तरह की अपडेट्स भी लगातार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम गाड़ियों लेके जाएंगे, तो कुछ लोग भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियाँ इसे अब हिंदू बनाम सिख की राजनीति कर रही हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ अमिल शमसी जी हैं। सर, आपका राजधर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहला प्रश्न आपसे यही लेंगे कि आरोप ये लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, इस समय जो है क्योंकि कांग्रेस के पंजाब में सरकार है, तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इस लखीमपुर की घटना से हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहला सवाल इसमें ये उठता है कि अगर किस जनता को या लोगों को ऐसा लग रहा है तो ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जो हमारे देश का विपक्ष है, जो हमारे देश के विरोध जो राजनीतिक विरोधी दल हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के, उनकी आदत हमेशा यही रही है। उनके इरादे, उनके जो मकसद हैं, वो हमेशा यही रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से प्रदेश की जनता को लड़वाएं, धर्मों में लड़वाएं, वर्गों में लड़वाएं, जातियों में लड़वाएं, और लड़ाने के बाद राज करें, क्योंकि अंग्रेज़ तो यही सिखा के गए हैं इनको। जो कांग्रेस और ऐसी तथाकथित पार्टी हैं, इन्हें सीखा यही, अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को सिखाया था, कांग्रेस ने छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को सिखाया। अभी सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और NRC वाला जब मामला हुआ था, तो इन्हीं ने प्रदेश की जनता को, यूं कहें कि प्रदेश के मुसलमानों को, हिंदुओं के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की थी। शाहीन बाग में महिलाएं बैठती थीं तो वो मुस्लिम तराने गाती थीं, इस्लामिक तराने गाती थीं। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट में तो कोई हिंदू मुसलमान की ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन उन प्रदर्शनों को टोटल एक मज़हब के खिलाफ कर दिया गया था, एक मज़हब का विरोधी बना दिया गया था, क्योंकि चाहते थे दंगा हो। अच्छा, दिल्ली में दंगा करा करके भी देख लिया, कोई हल नहीं मिला। आम जनता का नुकसान हुआ, बेचारे गरीब लोग हलाक हुए, लेकिन कांग्रेस जो है वो उसका मकसद इसलिए भी हल नहीं हुआ क्योंकि ये जनता वो चाहती थी ये दंगा पूरे देश में फैले। फैला नहीं, खत्म हो गया। जनता जागरूक थी, वो समझ गई। अब CA NRC पे बेवकूफ़ नहीं बना पाए तो कोरोना पे बनाने की कोशिश की, कोरोना में मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश की कि शायद अब हिंदू मुसलमान लड़ जाएं, शायद कोरोना के नाम पे लड़ जाएं, तब भी नहीं लड़े क्योंकि जागरूक थे, बेवकूफ़ नहीं बने। उनको पता था 70 साल से यही बेवकूफ़ बनाते आ रहे, अब हमें इनके बहकावे में आना नहीं है। अब इन्होंने देखा साहब मुसलमान तो बेवकूफ़ बन नहीं रहा, मुसलमान तो राष्ट्रवादी होता चला जा रहा है, मुसलमान तो राष्ट्र के हित में बात करता चला जा रहा है, अब क्या करें? तो इन्हीं ने जो है ये जो आंदोलन हो रहा है इसका सहारा लिया। इन्हीं ने दिखाया कि किसानों का आंदोलन है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। वो किसका आंदोलन है किसका नहीं है जनता खूब जानती है, बखूबी जानती है, ठीक है। इन्हीं ने उसकी आड़ में हिंदुओं और सिखों को लड़ाने की कोशिश की, इन्हीं ने उसमें जो है चाहा कि किसी ना किसी तरह ये लड़ जाएं, वर्ग लड़ जाएं। इसी तरह से हमेशा तमाम कोशिशें करते रहते हैं, कभी शिया सुन्नी को लड़वा दो, कभी हिंदू मुसलमान को लड़वा दो, कभी हिंदू सिख को लड़वा दो, और उसके बाद में ये कहेंगे अरे हम तो बड़े हितैषी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, हम तो उनके बड़े हितैषी हैं। ये वही कांग्रेस है 84 में जिसने नरसंहार किया था सिख भाइयों का, पूरे पूरे घर उजाड़ दिए थे, ये वही कांग्रेस है। और उसके जो आरोपी थे उनको आपने इनाम भी दिया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया था। अच्छा, सिंह दंगों के जो आरोपी थे आप जो जिक्र कर रहे हैं, कमलनाथ जी उनको तो इन्हीं ने बाकायदा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया था, अभी बनाया था, पुरानी बात नहीं है। तो ये इनके षड्यंत्र रहते हैं हमेशा, कोई नई बात नहीं है। जनता जानती है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा, कोई एजेंडा नहीं है, वो चाहती है लड़वाओ और राज करो, आग आग शहर शहर के शहर, कस्बे के कस्बे जलवा दो और उस पर राजनीतिक रोटियां सेको। तो ये किसान आंदोलन में तो भाई ये अगर कहा जाए तो फिर इनका मकसद तो पूरा हो गया, क्योंकि लखीमपुर खीरी में तो हिंदू और सिख लड़ गए। मकसद था, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, महाराज योगी आदित्यनाथ ने पूरा नहीं होने दिया। महाराज योगी आदित्यनाथ ने इन्हें लाशों पर राजनीति नहीं करने दी, बल्कि एक अभिभावक की तरह सारे प्रोग्राम रद्द करके, सारे कार्यक्रम रद्द करके उस मसले को गंभीरता पूर्वक लिया, सबको तुरंत 24 घंटे के भीतर सबको मुआवजे पहुंचवाए,
जो आरोपी थे उनके खिलाफ एफआईआर कराई और संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करा के जांच शुरू कराई। इस तरह से महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने इनके षड्यंत्र को फैलने से रोका और प्रदेश की जनता का एक बार फिर फायदा कराया। अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव भी दो तीन दिन से लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चले जाएं लखीमपुर खीरी में। आज कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र में कोई जा नहीं सकता? लोकतंत्र में जा करके देश हित की बात की जाती है, लोकतंत्र में जा करके देश के माहौल को खराब करने की बात नहीं की जाती। तो वहाँ लोकतंत्र को बचाने नहीं बल्कि लोकतंत्र को खतरे में डालने जा रहे थे। तुम हमारे प्रदेश के मुसलमानों को जिस तरह से बहकाते आए थे, तुम उसी तरह से किसान आंदोलन के नाम पर भी जो वहाँ पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं उनको बहकाने जा रहे हो और उन्हें भी धोखा दोगे, जैसे मुसलमानों को धोखा दिया है ना, वैसे उन्हें भी धोखा दोगे। याद है ना मुजफ्फरनगर तुम्हारी सत्ता ही तो थी ना अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की सरकार ही थी। 3 महीने तक मुजफ्फरनगर जलता रहा, मुसलमान और हिंदू दंगे की आग में जलते रहे, मरते रहे, नुकसान होता रहा, कोई झांकने नहीं गया। उल्टा सैफई में बैठ करके आप वहाँ पर नाच गाने देखते रहे। तो जिस तरह से तुमने मुसलमानों को और हिंदुओं को और प्रदेश की जनता को धोखा दिया था, वही धोखा तुम देने वहां पर भी जा रहे हो, तो तुमको रोका जाना जरूरी है। एक ऐसा भी बात आ रही है कि अब कहीं ना कहीं विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है इस मुद्दे को लेके, और एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन में सरकार भी चल रही है महाराष्ट्र पे, वहाँ कहा जा रहा है कि भारत बंद करेंगे 11 तारीख को, क्योंकि लखीमपुर खीरी की घटना को ही लेके। क्या कहेंगे, एकजुटता से कुछ हासिल हो पाएगा? एकजुटता से क्या, 2019 में भी तो एकजुट होने की कोशिश की थी ना, भ्रमित करने की कोशिश की थी ना, जनता नहीं ना भ्रम में आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि जनता जागरूक है। जितनी भी कोशिश कर लो विपक्ष, जितनी क्या जनता नहीं जानती है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची हुई विरोधी दलों की है। ये जो आज एक होने की बात कर रहे हैं, इन्हीं की रची हुई पूरी कॉन्स्पिरेसी है, इन्हीं का रचा हुआ पूरा षड्यंत्र है। अब जनता इनके धोखे में आएगी भला? ये जितना एक होने की कोशिश कर ले, कोई इनके बहकावे में इनके धोखे में नहीं आने वाला है। ये गिद्धों, ये लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध हैं और जनता इनको पहचान चुकी है। लखीमपुर की घटना संयोग है या प्रयोग, क्या लगता है आपको? लखीमपुर की घटना एक अत्यंत दुखद घटना है, एक बहुत ही गमगीन करने वाली दुर्घटना है, और ऐसी और इसके लिए जांच के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार निष्पक्ष जांच करेगी। जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, जिन्होंने ये घिनौनी घटना को अंजाम दिया है, उनके चेहरों से नकाब भी हटेंगे और जनता के सामने उनके चेहरे भी आएंगे। आपने कहा ये षड्यंत्रकारी हैं, क्या आपको लगता है कि ये पूरा पहले से ही साजिश और प्लानिंग के तहत किया गया था? देखिए, जब मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ, 2014 में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से कांग्रेस और ऐसे विरोधी दल बहुत हताश हैं। ये प्रयोग और षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को भ्रमित कर दें, नोटबंदी के टाइम पे कितने कैसे लोगों को बहका दें, कैसे लोगों को भ्रमित कर दें, कैसे उनसे करें, अरे साहब जनता का तो नुकसान हो गया, जनता जानती थी नुकसान हमारा नहीं हुआ, नुकसान ऐसे नकली झूठे नेताओं का हुआ है जो जनता के पैसों पर ऐश करा करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता जो है, अब मजीद इस तरह के धोखों में नहीं आने वाली है। जो कॉन्स्पिरेसी 70 सालों से लड़ाने का, लड़ा करके राज करने का जो नियम कांग्रेस ने बना करके रखा था, अब जनता उसको पहचान गई, जनता उसको समझ गई, और एक एक भारतीय इस बात को जानता है कि हम इनके षड्यंत्र में, इनके छल में, इनके धोखे में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपसे ये भी ले लेते हैं, क्योंकि चुनाव है और लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव है इसी के कारण लखीमपुर खीरी का मुद्दा इतना भुनाया जा रहा है, तो किससे किसका असर पड़ेगा, क्या बीजेपी को नुकसान होगा लखीमपुर खीरी घटना? देखिए, बीजेपी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उत्तर प्रदेश की सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और षड्यंत्र किया गया था, लेकिन प्रदेश की जनता को ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो जनता के हित में काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को भरपूर मजबूत रखने का काम कर रही है, सबके साथ इंसाफ करने का काम कर रही है, और जो सरकार इतना अच्छा काम कर रही हो उसको कभी नुकसान पहुँचा नहीं सकता है कोई। तो अगर ऐसे खाम ख्याली, ऐसे कोई हसीन सपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ऐसे अन्य दल देख रहे हों, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि नींद से जाग जाएं, जनता अब उनके धोखे में आएगी नहीं, चाहे वो कुछ भी कर लें।
ठीक है, जिस तरह से जब घटना हुई तो हमने भी देखा था कि योगी आदित्यनाथ के तमाम जगह पहले से ही कार्यक्रम फिक्स थे, लेकिन उन सभी को रद्द कर दिया गया, राकेश टिकैत से बातचीत की गई, तो किस तरीके से ये सारे मामले को सुलझाने की कोशिश की गई? देखिए, ये सारे मामले को सुलझाने की कोशिश ठीक वैसे ही की गई जैसे कोई अभिभावक अपने परिवार के लिए करता है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, जैसा कि वो खुद भी अपने कई इंटरव्यूज़ में कह भी चुके हैं, और हमें पूरा यकीन है और हमारा यकीन और मजबूत हो गया कि जितनी अच्छी तरह से लखीमपुर की में जो घटना हुई, जो अत्यंत दुखद घटना लखीमपुर में हुई है, उसको कंट्रोल करके योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया। योगी आदित्यनाथ जी ने उन गिद्धों को भी रोका जो राजनीति करने लाशों पर जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने उन मृतकों के साथ इंसाफ भी किया कि जो इस घटना में, इस दुर्घटना में मारे गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन दोषियों को भी योगी आदित्यनाथ जी सामने लाएंगे कि जो इस षड्यंत्र को रचने वाले हैं, जो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह देश का माहौल ख़राब हो जाए, आंदोलन के नाम पर देश में दंगे फैल जाएं, उसी का तो वो है। अभी मैंने पता चला है मुझे कि वो बंद का ऐलान किया है महाराष्ट्र में, भारत बंद का। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो दंगों को कंट्रोल करने का काम कर रही है, और ये चाहते हैं कि पूरे देश में दंगे फैल जाएं। अच्छा। ये इनकी नीति है, ये इनकी नियत है। ठीक है, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी तरीके से इन सभी मसले को हैंडल किया, क्या लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की जगह कोई और सरकार होती तो इस तरह से हैंडल ना हो पाता क्या? मैंने बताया ना, समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, 3 महीने मुजफ्फरनगर जलता रहा, लेकिन कोई वोट बैंक ना नाराज़ हो जाए इसलिए कार्रवाई नहीं की कि हम कार्रवाई करेंगे तो वोट बैंक नाराज़ हो जाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे तो आज़म खान ना नाराज़ हो जाएं। सैफई में नाच गाने होते रहे, सैफई में डांस देखते रहे, लेकिन मुजफ्फरनगर जाने की तौफीक उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नहीं हुई। तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि योगी आदित्यनाथ जी से बेहतर काम कोई कर सकता था? हमने तो तमाम मुख्यमंत्री और तमाम सरकारें देखी हैं इस प्रदेश में, और हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया है, अरे कितना बड़ा प्रमाण है कि एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया योगी आदित्यनाथ ने, जबकि उत्तर प्रदेश को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया था कि विदेशों में दंगों का प्रदेश कहा जाता था। पाकिस्तान जैसा भिखारी आतंकवादी मुल्क हमारे मीम्स बनाता था कि जिसके जो ऐसा पाकिस्तान जैसा ऐसा भिखारी और आतंकवादी मुल्क कि जहां पर जो है वो अगर घर से कोई लड़का निकल करके जाए तो घर वालों को विश्वास नहीं होता कि शाम को आएगा भी या कहीं मार दिया जाएगा, ऐसा मुल्क जो है हमारे मीम्स बनाता था। ये छवि बनाई थी तुमने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ऐसी सरकारों ने, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उस छवि को धो दिया। अब उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अब उत्तर प्रदेश को गर्व से उत्तम प्रदेश कहा जा सकता है। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से होगी और सब पे होगी, और इसी के चलते जो मंत्री जी के बेटे हैं उन पे भी एफआईआर दर्ज हुई है और मंत्री भी मिलने गए हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो भी दोषी होगा निष्पक्षता से कार्रवाई होगी, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो? योगी जी हैं तो इंसाफ होगा, योगी जी इंसाफ करेंगे। जो दोषी हैं, जो भी इस घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी जी हैं तो हमें यकीन है। चाहे बीजेपी के ही नेताओं कार्रवाई होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुकदमा दर्ज करा करके खुद योगी आदित्यनाथ जी ने इसका प्रमाण दे दिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने प्रमाणित कर दिया है कि हम जो है वो सुशासन देने वाली सरकार है, हम देश में अच्छा माहौल देना चाहते हैं, हम देश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देना चाहते हैं, हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो लाशों पर राजनीति करते हैं। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।